नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मुंबई पहुंचने पर जोरदार स्वागत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया। मुंबई में रह रहे उत्तराखंड प्रवासियों ने उनका स्वागत किया है। आपको बता दें कि यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार प्रसार किया और साथ ही जनसभा को भी संबोधित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह कहा कि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में अनेक काम हुए हैं और डबल इंजन की सरकार ने विकास के ऐतिहासिक काम किए हैं। बीजेपी जो कहती है वो करती है। साथ ही उन्होंने जो कहा है, मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और बीजेपी है, तब तक कांग्रेस की 4 पीढ़ियां भी कश्मीर में धारा 370 को वापस नहीं ला पाएंगी। साथ ही विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की सोच परिवारवाद तक ही सीमित है। विपक्ष ने महाराष्ट्र की जनता को धोखा दिया। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में अनेक विकास और समृद्धि की गारंटी वाली यहाँ महायुति की सरकार है, वहीं दूसरी ओर क्या है कांग्रेसी जो महागाड़ी गैंग है वो केवल किस बात पर बात कर रहे हैं? भ्रष्टाचार की बात है, उनके तुष्टीकरण की बात है, या ये कहिए कि अपने परिवार की बात लोग कर रहे हैं? इन लोगों के सोच में कोई महाराष्ट्र का विकास नहीं है, देश का विकास नहीं है। इनकी सोच में केवल और केवल अपने परिवार तक इनकी सोच सीमित है। और ये महाअगाड़ी गैंग ने जो पिछली बार जो जनता के द्वारा यहाँ सरकार चुनी गई थी उसको धोखा देकर लूटा और फिर 2.5 साल तक महाराष्ट्र की जनता को भी लूटने का काम किया, महाराष्ट्र की जनता को भी धोखे में रखने का काम किया। भाई बहनों, कांग्रेस, एनसीपी और ये शिवसेना वाले, जो नकली शिवसेना वाले, वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर से आप 370 धारा हटनी चाहिए थी, 376 नहीं हटनी चाहिए। हमारी बहनों, ये किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आप ये किसी कीमत पर धारा 370 को वहां लागू नहीं कर सकते, क्योंकि धारा 370 देश के लिए बहुत बड़ा खतरा थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2024-25 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीएम धामी ने 87 करोड़ के कुल 6 योजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने राज्य स्तरीय पिट्ठू प्रतियोगिता का भी शुभारंभ किया। इसके साथ ही राष्ट्रीय खेलों के लिए नेशनल गेम्स उत्तराखंड वॉलंटियर पोर्टल का शुभारंभ भी सीएम धामी की तरफ से किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष युवा महोत्सव का आयोजन इनोवेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी थीम के तहत किया जा रहा है। हमारे युवा नवीनतम तकनीकों को सीखने के साथ ही अपने आप को विकसित करने में भी सक्षम होंगे। और साथ ही महोत्सव में स्पोर्ट्स साइंस जैसे नवाचार पर विशेष फोकस किया गया, जो हमारे खिलाड़ियों को आगामी राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य को 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का अवसर प्राप्त हुआ, जो कि सभी के लिए बेहद गर्व की बात है। प्रत्येक वर्ष वो तैयारियां करते थे, सालों साल तैयारियां करते थे। उनके माता पिता अपने खर्चे कम करके, अपने दैनिक जीवन की जरूरतों को कम करके, उनको बिल्कुल मिनिमाइज करके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते थे, उनकी तैयारियां करवाते थे। लेकिन जब रिजल्ट आता था तो जो तैयारी करते थे, जिनके अंदर प्रतिभा होती थी, क्षमता होती थी, उनका कहीं कोई चयन में नंबर नहीं आता था। चयन में नंबर उनका आता था जो नकल माफियाओं के साथ साठगांठ करते थे। भाइयों बहनों, हमने इस प्रथा को तोड़ा है, हमने इस अपराध को समाप्त करने का काम किया है और 100 नकल माफियाओं को आज जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। और एक देश का आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी हमारा प्रोत्साहन किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का जो नकल विरोधी कानून है, आज वो पूरे देश के अंदर एक आदर्श के रूप में, एक आज उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। और यह एक ऐसा उदाहरण है जिसके लागू होने के बाद 18,500 युवा नौजवानों को आज पारदर्शिता के आधार पर चयन का। राजीव जयंती के अवसर पर मैं समस्त प्रदेशवासियों को बहुत शुभकामना देती हूं और बेहद खुशी की बात है कि आज ही के दिन से, यानी कि 9 नवंबर से, जिस दिन हमारी राजीव जयंती है,
उसी दिन से युवा महोत्सव की भी शुरुआत हो रही है, जिसका कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने करकमलों से शुरुआत कर दी है। निश्चित रूप से ये युवा महोत्सव 9 तारीख की शाम से लेकर 14 तारीख तक लगातार संचालित रहेगा। इसमें अधिक से अधिक युवाओं का प्रतिभाग रहेगा। इसमें विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं। हमारे नयुवक मंगल दल, महिला मंगल दलों का प्रतिभाग है और मैं समझती हूँ कि बड़े बड़े महानुभाव जो है अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ देंगे। इसके साथ ही बड़े बड़े स्पोर्ट्स प्लेयर्स को भी हम लोगों ने आमंत्रित करा है, तो एक भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। तो वहीं हरिद्वार में 11 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने जानकारी दी है कि शाम 5 बजे हर की पौड़ी पर HRDA से 500 ड्रोन का भव्य और आकर्षक शो प्रस्तुत यहाँ पर किया जाएगा। ड्रोन शो के बाद यहाँ पर दीपोत्सव का आयोजन होगा, जिसमें नगर निगम और विभिन्न संगठनों के संयोग से हरिद्वार के सभी प्रमुख घाटों पर दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। लगभग 3.5 लाख दीपकों से गंगा के घाटों को रोशन किया जाएगा, सजाया जाएगा। जिलाधिकारी ने सभी शहरवासियों और श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे अपने परिवार, पड़ोसियों और मित्रों के साथ इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनने के लिए घाटों पर पहुंचे और साथ ही दीप जलाकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। ग्यारह तारीख को दीपोत्सव का एक बहुत ही वृहद प्रोग्राम हमारे हरिद्वार जनपद में मनाया जाएगा, जिसमें करीब 3 लाख से ऊपर दिए प्रज्वलित किए जाएंगे, जिसमें कम से कम हरकड़ी पैड़ी और इसके आसपास के करीब 52 घाटों में करीब 4,000 स्कूली बच्चे और जनप्रतिनिधि और काफ़ी सारे लोग मिलाकर करीब 6 से 7 हज़ार आदमी यहाँ पर रहेगा। उसके बाद भजन संध्या का भी एक कार्यक्रम है, तो काफ़ी जो अरेंजमेंट्स हैं पुलिस के वो लगा दिए गए हैं। पूरे संपूर्ण क्षेत्र को 10 जोनों में हम लोगों ने बांटा है, जिसमें करीब हमारा 400 से 500 आदमी हमारा पुलिस का कर्मी रहेगा तैनात। लालकुआ में श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से प्रथम पातशाही श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव के पर्व पर नगर में तीसरे दिन भी प्रभात फेरी का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि प्रभात फेरी श्री गुरुद्वारा से प्रारंभ होकर मुख्य विभिन्न मार्गों से होते हुए बजरी कंपनी कॉलोनी पहुंची और साथ ही साथ जहाँ पर बजरी कंपनी की संगत के द्वारा समस्त संगत को जलपान कराया गया। आपको ये भी हम जानकारी दे दें कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से हर वर्ष गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पर 5 दिवसीय प्रभात फेरी का आयोजन किया जाता है। इसके बाद प्रभात फेरी के अगले दिन श्री अखंड पाठ प्रारंभ होता है और गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव के दिन गुरुद्वारा परिसर में शब्द कीर्तन, बाहर से आए जत्थेदार की तरफ से गुरु महिमा का गुणगान कर इसके बाद लंगर का आयोजन किया जाएगा। इससे जो है 5 प्रभात फेरियां निकाली जाती हैं, जिसमें आज तीसरी प्रभात फेरी संपूर्ण हुई है और 2 प्रभात फेरी कल और परसों और निकलेंगी। फिर 13 तारीख को जो है श्री खंडपाठ साहब का प्रकाश होगा, जिसका जो है भोग 15 तारीख को पड़ेगा। 15 तारीख को जो है गुरु का लंगर और पुट लंगर बरतेगा। तो सारिया संतान के चरणों के बेनती है कि 15 तारीख न भंडारे लंगर छक के अपना जीवन सफला करें। इसलिए निकाली जाती है जी कि एक का गुरु जी का शुक्राना कराया जाता है उनके जन्मदिन का, और इससे सारी संतों को प्रोग्राम का भी पता चल जाता है कि क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं। तो वैसे तो लाउड स्पीकर से भी अनाउंसमेंट करवाते हैं, लेकिन जो प्रभात फेरी जाती है इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो निकलती है वो जगह पवित्र हो जाती है। 2 प्रभात फेरी बाजार में हुई है, आज की प्रभात फेरी बजरी कंपनी में गई थी और कल और परसों की प्रभात फेरी भी जहाँ से लेके पुल तक बाजार में जाएगी। देव जी का श्री गुरु नानक देव जी का जन्मदिन 15 नवंबर को बड़े धूमधाम से मनाया जाता, पूरे देश में मनाया जाता है। और हम लोग नगर कीर्तन जो यहाँ हो रहा है ये उसके 5 दिन पहले 5 प्रभात फेरी निकालते हैं और नगर नगर घूमते हैं, जिससे कि आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण बनता है और टी गुलदस्ता जो होता है सिंधु भंसी के साई का, तो उस लिए हम लोग प्रभात निकालते हैं। और 13 तारीख तक निकलेगी ये, 2 प्रभात फेरी हो चुकी है, 2 और बाकी हैं, और 2 जो हैं उसके बाद 13 तारीख को गुरुद्वारे में गुरुद्वारा साहब में
अखंड पाठ रखा जाएगा, 15 को समाप्ति होगी और उसके बाद गुरु का लंगर जिसको भंडारा बोलते हैं, लंगर है उसको सब संगत पूरी वहाँ एक ही पंगत में खाएगी। और शुभकामनाएं गुरु नानक देव जी की जन्मदिन की सब ग्रहण करें और बहुत बहुत बधाई पूरे देशवासियों पूरे क्षेत्रवासियों। तो वहीं स्लट में ब्लॉक स्तरीय खेलकुंभ का आयोजन राजकीय इंटर कॉलेज देवालय के भव्य खेल मैदान में संपन्न हुआ। आपको बता दें कि इसमें अंडर 14 और अंडर 17 और अंडर 20 में दूसरे दिन कबड्डी और खो खो की प्रतियोगिता का आयोजन देखने को मिला। आपको हम बता दें कि नोडल अधिकारी खेल महाकुंभ दिनेश चंद्र फुलोरिया, कार्यक्रम संयोजन मोहन सिंह रावत, डॉक्टर अनुराधा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की, शुभारंभ किया। और साथ ही आपको बता दें कि खो खो में न्याय पंचायत देवालय, कबड्डी में चमकरा और भोनखाल व क्वेराला ने बाजी मारी है। तो कई प्रतियोगिताओं का आयोजन देखने को मिला है और तस्वीरें भी आप देख रहे हैं खो खो प्रतियोगिता को लेकर। खो खो में देवालय ने बाजी मारी है और साथ ही यह तमाम प्रतियोगिताएं देखने को मिली हैं जिसमें लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी खेलों में प्रतिभा करती नजर आई और ये अद्भुत तस्वीरें इन खेल महोत्सव को लेकर सामने आई हैं और इन खेलों का जो आयोजन देखने को मिला है और साथ ही खिलाड़ियों में एक खेल भावना जागृत करने को लेकर भी प्रयास आता है इन खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से। विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत पंतनगर में आयोजित हुए राज्य स्तरीय एथलीट प्रतियोगिता में ग्वालदम की हंसिका गडिया ने अंडर 19 बालिका वर्ग में राज्य स्तर पर चैंपियनशिप हासिल करने में सफलता हासिल की और साथ ही चैंपियन बनने के बाद ही अपने गांव पहुंचने पर जगह जगह उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत हुआ। तिलक लगाकर उनका शानदार और जानदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि यहाँ पर प्रतियोगिता में 100 मीटर दौड़, लंबी कूद और त्रिकुट में प्रथम स्थान प्राप्त कर चैंपियनशिप जीती और साथ ही हंसिका ने 4000 मीटर बालिका वर्ग के रिले रेस में भी द्वितीय स्थान हासिल कर नाम रोशन किया पूरे प्रदेश का। और हंसिका के चैंपियन बनने पर क्षेत्र में खुशी का माहौल छाया हुआ है। आपको बता दें कि हंसिका ने अपनी सफलता का श्रेय अपने प्रशिक्षकों और साथ ही साथ शिक्षकों और अभिभावकों को दिया है। तो जगह जगह भव्य स्वागत देखने को मिला है, ये तस्वीर सामने आई है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस खेल प्रतियोगिता के बाद एक सम्मान अपने क्षेत्र में लौटने पर हंसिका का किया गया है और साथ ही इन तमाम खेलों में उत्तीर्ण प्रदर्शन कर अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया। उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर हरिद्वार की सड़कों पर जनसैलाब दिखाई दिया है। स्वाभिमान रैली के माध्यम से सैकड़ों लोगों ने त्रिशूल से लेकर हर की पौड़ी तक और आपको बता दें कि पैदल मार्च निकाला है। साथ स्वाभिमान रैली के दौरान संयोजक मोहित डिमले ने बताया है कि उनकी मांग ठोस भू कानून के साथ साथ 1950 के आधार पर मूल निवास की भी मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ इसे लेकर राज्य के हर जिले में अलग जगाने का काम किया जा रहा है जिसके तहत हरिद्वार में स्वाभिमान रैली का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि हेमा रावत का यह कहना है कि राज्य के हित और उत्तराखंड की भूमि बचाने का प्रयास है। तो ऋषिकुल से इस महारैली का शुभारंभ देखने को मिला और लोगों ने पैदल मार्च में निकाला है और लोगों ने कहा कि एक बदलाव का यहाँ पर आरंभ किया गया है। स्वाभिमान महारैली का आयोजन देखने को मिला और इसकी शुरुआत ऋषिकुल से। हम उनके अधिकारों को लेकर लड़ते रहेंगे, अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे।
देखिए यहाँ से हर की पैड़ी तक हम लोगों का जो आंदोलन है इसमें मूल निवास और भू कानून जो हमारा मुद्दा है जिसके लिए हमने राज्य के लिए आंदोलन दिए थे, हमारी माता बहनों ने शहादतें दी थी, खटीमा गोलीकांड, मसूरी गोलीकांड और रामपुर तराई जैसी जघन्य घटनाओं से हमारी माता बहनों ने झेला था। इस त्रासदी को झेलने के बाद भी आज राज्य के युवाओं को, माताओं को न्याय नहीं मिल पा रहा है। यहाँ के युवा बेरोजगार हैं, यहाँ का तमाम जो जमींदार हैं उनकी जमीनें बिकती जा रही हैं और बाहर से लोग आकर के जबरन फर्जी दस्तावेजों को बनाकर यहाँ कब्जा कर रहे हैं, जिसके विरोध में स्वराज सेवा दल हमेशा पुरजोर विरोध करता है और मूल निवास भू कानून का समर्थन करता है और हम लोग मूल निवास और भू कानून लेके रहेंगे। देखिए पूरे प्रदेश से आज लोग आए हैं, उत्तराखंड के विभिन्न जिलों से आए हैं या दुर्गम क्षेत्रों से, चमोली से लेके चंपावत तक के भी आज लोग पहुँचे और हरिद्वार के स्थानीय लोग भी काफ़ी बड़ी संख्या में जो मूल निवासी है वो आया है। और उत्तराखंड की सरकार को ये चेता रहा है कि 24 सालों में जो उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास की जो अपने उत्तराखंड की जनता को दिए गए हैं उसके खिलाफ जनता आक्रोशित हो गई है। हरिद्वार में NHAI की लापरवाही से जनता को हो रही परेशानियों को लेकर अब लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि सर्वानंद अंडरपास पर सड़क टूटने से कई लोग चोटिल हो रहे हैं, लेकिन NHAI अधिकारी जो हैं वो जनता की शिकायतें नज़रअंदाज करते जा रहे हैं। स्थानीय नागरिकों का ये कहना है कि यहाँ पर फ्लाईओवर के निर्माण के बावजूद अंडरपास और साथ ही साइड रोड पर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे वहां पर दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। महानगर व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष सुनील सेठी की अगुवाई में सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय लोग ढोल नगाड़ों के साथ सर्वानंद अंडरपास पर एकत्र हुए और साथ ही NHAI के खिलाफ रोष प्रकट किया। सुनील सेठी ने यह कहा है कि फ्लाईओवर तो बन गए हैं लेकिन उसके नीचे की सड़कें खस्ता हाल होती जा रही हैं। के खिलाफ महानगर व्यापार मंडल के संयोजन में एक विरोध जताया गया। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार सर्वानंद भाटका अंडरपास हो, भीमकोले का अंडरपास हो, NHAI द्वारा जब से ये फ्लाईओवर बनाए, हाईवे तैयार किया गया, तब से इन NHAI के अंडरपासों की हालत दयनीय है, जिससे रोजाना सैकड़ों लोग दोपहिया वाहन चालक वहाँ से आवागमन करते हैं। सब सरोवर मार्ग को जोड़ने वाला एक वैकल्पिक मार्ग सर्वानंद घाट है और उससे ही अंडरपास होकर गुजरता है, जिससे बिजली घर पर भी हजारों आबादी की संख्या का उत्तरी हरिद्वार की आवागमन होता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि NHAI टोल प्लाजा पे टोल वसूलने के साथ साथ जनता को वो सुविधाएं देने में नाकाम रहते हैं जो उनका मूलभूत अधिकार है। उसी के अंतर्गत ये सड़क लगभग जब से NHAI तैयार हुआ, फ्लाईओवर तैयार हुए, ये टूटी सड़क, खस्ता हाल सड़क, जिससे लोगों का आवागमन होता है, रोजाना लोग चोटिल हो रहे हैं। आज हमने यहाँ पे ढोल नगाड़ों के साथ इस NHAI के खिलाफ जो कुंभकर्णी नींद में सोए हुए अधिकारी हैं विरोध जताया है और अगर जल्दी ये नहीं चेते तो हम अनिश्चितकालीन धरना देने को भी इनके खिलाफ मुखर होंगे। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हरीश पनेरू के नेतृत्व में भीमताल विधानसभा क्षेत्र में बदहाल सड़कों की हालत सुधारने की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पिछले दिनों मारचूला में हुई सड़क दुर्घटना को सरकार को याद दिलाते हुए बताया कि भीमताल विधानसभा में भी ऐसी सड़कें हैं जो कि 40 लोगों को निगल चुकी हैं, उसके बावजूद भी सरकार उन सड़कों को ठीक नहीं करवा रही है और जो मांग यहाँ पर उन्हें ठीक करवाने को लेकर की जा रही है उस पर कोई सुध नहीं ले रही है। हरीश पनेरू ने ये कहा है कि यहाँ पर छिड़ाखान मेदार मोटर मार्ग पिछले 3 साल से सही नहीं हो पाया है और साथ ही साथ इसी प्रकार की विधानसभा के अन्य सड़कें जो हैं वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी हैं और साथ ही उसका खामियाजा मासूम जनता भुगत रही है, मासूम लोगों को अपनी जान देकर गंवाना पड़ता है। पूरे कुमाऊं क्षेत्र की जो बदहाल सड़क उनको लेकर हम लगातार मुख्यमंत्री जी आए थे, मारचूला की दुखद घटना हुई, छिड़ाखान मेदार जो हमारी सड़क है उस पर 40 मौतें 1 साल के अंदर हुई, वो सड़क आज तक नहीं बन पाई। 11 तारीख को माननीय सांसद जी क्षेत्र में जा रहे हैं और उनका कहना है कि हम उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं कि टेंडर किसको मिला, पैसों के नाम पर सड़क पर मोटा खेल चल रहा है जनप्रतिनिधियों के द्वारा और अधिकारियों द्वारा, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो मौतें हो रही हैं उसके लिए पूरा सिस्टम और जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं, इसको जनता को हम आगाह कर रहे हैं, जनता जागेगी और ऐसे जनप्रतिनिधियों को आने वाले समय में जवाब मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आकर के हमारी एक रोड है पोखरी नमोनिया देवलीधार सुरंग मोटर मार्ग पिछले 3 दशक से बना हुआ है, अभी मरचुला वाली घटना में
क्रैश बैरियर न होने से वहाँ एक गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई, दुर्घटना हो गई है जिसमें 36 लोगों की हतायत हो गए हैं। उनको मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। मगर मुख्यमंत्री जी तक हमारी क्षेत्र की आवाज़ बार बार हम पहुँचाने का काम करते हैं। उन्होंने जो है जिस रोड को बनने के 3 दशक तक जिसमें डामरीकरण न हुआ हो वहाँ पर जनता अपनी जान जोखिम में डाल करके सफ़र करने को मजबूर है। इसके लिए हम माननीय सीएम साहब से अनुरोध करना चाहते हैं, प्रदेश की उन सड़कों को जिनमें एक बार भी डामर न हुआ हो उनको डामरीकरण करा जाए, और जिनमें जहाँ पे ज़रूरत है क्रैश बैरियर लगाए जाएँ। वास्तव में पर्वतीय क्षेत्रों में डामरीकरण न होना सड़कों का और उसमें सेफ्टी सुरक्षा के तहत क्रैश बैरियर वगैरह न होने से गाड़ियाँ जो हैं दुर्घटनाग्रस्त होती हैं और तमाम लोग मौत के घाट जाते हैं। नरेंद्र खनवाल, बीडीसी का प्रतिनिधि हूँ। तो खबर रानीखेत से है जहाँ पर पीएमजीएस राज्य स्तरीय अनुश्रवण परिषद उपाध्यक्ष शिव सिंह बिश ने यह कहा है कि धामी सरकार इस दिशा में तेजी के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि धामी सरकार के नेतृत्व में मुख्य मार्ग को गड्ढा मुक्त किया जाएगा। प्रदेश की धामी सरकार के नेतृत्व में इस दिशा में प्रदेश भर में कार्य हो रहा है। उत्तराखंड में बरसात के कारण कई स्थानों में अब सड़कें खराब हो चुकी हैं। अब ऐसे कई स्थान हैं जहाँ पर सड़कें खराब हो चुकी हैं क्योंकि अभी फिलहाल मानसून का मौसम भी बीता है, जो सड़कों का सुधारीकरण है वो नहीं हुआ है। लोक निर्माण विभाग, NH, प्रधानमंत्री सड़क योजना सहित कई मुख्य मार्ग ऐसे हैं जहां पर ग्रामीणों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण सड़कों में कार्य शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा है कि मेरा ये मानना है कि 15 नवम्बर से पहले गड्ढा युक्त का जो कार्य है वो पूरा कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर सड़कों के सुधारीकरण को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं। उत्तराखंड की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी, इसे लेकर एक प्रयास नज़र आता है। और साथ ही कहा गया है कि 15 नवंबर तक सड़कें जो हैं वो गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। अब ऐसे में देखने की बात यह है कि 15 नवंबर की जो एक डेडलाइन दी गई है तो गड्ढा मुक्त कितनी सड़कें हो पाती हैं ये भी एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अभी मानसून का मौसम बीता है और सर्दियां आने वाली हैं। अब ऐसे में सर्दियों की शुरुआत से पहले मानसून के बीच जाने के बाद बीच का जो इस समय है, अब ऐसे में इस समय को किस तरीके से यूटिलाइज करते हुए सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा ये भी देखने की बात है। बरसात के बाद प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो हमारे मुख्य मार्ग हैं वो गड्ढा मुक्त होंगे, और निश्चित रूप से इस दिशा में पूरे प्रदेश भर में कार्य हो रहा है। और मैं मानता हूं कि क्योंकि प्रदेश में बरसात की वजह से हमारा उत्तराखंड प्रदेश है, क्योंकि आपदाग्रस्त भी यहाँ आपदाएँ बहुत प्रदेश में आती हैं, तो उससे बरसात में बहुत सारी सड़कें हमारी ख़राब हो जाती हैं, तो उनमें बहुत बड़ा नुकसान प्रदेश में आपदा के कारण भी हर वर्ष होता है। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, और निश्चित रूप से हमारे तमाम अधिकारीगण, हमारे चाहे वो लोक निर्माण विभाग के हों, चाहे NH के हों, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के हों, उनमें तमाम निविदा का कार्य पूरा करने के बाद गड्ढा मुक्त जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है उसको निश्चित रूप से उसका पूरा करने का काम कर रहे हैं। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहें जनतंत्र टीवी। नमस्कार।